लेकिन उन लोगों ने आत्महत्या कर लिया। लेडीज ने, दो बच्चियां थी, दोनों बच्चियां एक पंखे से नीचे आके आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। मैं पर डे नवभारत टाइम्स पेपर लेता हूँ, घर से निकलता हूँ, सबसे पहला काम क्या है, पेपर खरीदता हूँ, क्योंकि आपको दुनिया के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए कि आपके समाज में हो क्या रहा है। तो अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। होता क्या है, जब हमको पढ़ना था तो हमने पढ़ाई नहीं किया। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ने का मौका मिला है, यहाँ सीनियर बोलते हैं ये करो वो करो, हम करते नहीं हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, लिस्ट बनाओ। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू से सिखाया जाता है, आप लोग बहुत पुराने नेटवर्कर हो, कि लिस्ट बनाने का एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, फ्रेंड। ऐप मतलब क्या होता है, आपके टच में कितने लोग फ्रेंड हैं, आपके दोस्त कितने हैं। एफ कॉलम बनाओ और एफ के नीचे जो आपके दोस्त हैं उनका नाम नंबर लिखो, क्लियर हुआ। उसके बाद आता है आर। आर मतलब क्या होता है, रिलेटिव, आपके रिश्तेदार कितने हैं। अभी मैं नहीं बोलूंगा आप इंडिया लेवल का रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, लेकिन मुंबई लेवल के रिश्तेदार का तो लिस्ट बना सकते हो। हमारे शादी विवाह में सिर्फ रिश्तेदार ही आते हैं, लेकिन पता चलता है 100-200 लोग आते हैं, और मैं आपको 50 लोगों का नाम नंबर लिखने को बोल रहा हूँ। तो पहला हो गया फ्रेंड, आर यानी रिलेटिव, रिश्तेदार। उसके बाद क्या आता है, आई। आई मतलब होता है इंस्टीट्यूट, आपने जहां पे पढ़ाई किया होगा ऐसे लोग आपके साथ में रहेंगे, उनका लिस्ट बना लो। ई, इम्प्लाई, जहां पे आप नौकरी करते हो, हर आदमी कहीं कहीं नौकरी करता है, इम्प्लाई आपके साथ कितने लोग काम करते हैं। एन, एन मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। देखो लिस्ट बनाने का भी अलग लोगों ने बाई फिगर्स करके दिया है, लोग बोलते हैं ना मुझे लिस्ट बनाने नहीं आता, तो पहले आप फ्रेंड का लिस्ट बनाओ, आपके 10 मित्र होंगे, 10 रिश्तेदार होंगे, 10 साथ में पढ़ाई लिखाई किए होंगे, कभी आप क्लासेस गई रहोगी, कभी ट्यूशन गई रहोगी, कभी स्कूल में पढ़ाई की रहोगी, 10 लोग काम करने वाले रहेंगे जहां आपने नौकरी किया होगा, 10 लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे। तो 50 लोगों का लिस्ट बनाना बहुत ईजी है, कोई हार्ड काम नहीं है, सिर्फ 10-10 लोगों को उठाओ। और डी मतलब होता है मालूम है क्या, ये सबसे बड़ी लिस्ट है, डायरेक्ट आपको डेली कितने लोग मिलते हैं, या आपको डी मतलब डॉक्टर, आपका डॉक्टर से आना जाना रहता है ना, हर फैमिली में एक डॉक्टर रहता है। और इसके आगे यस लिख दो, फ्रेंड सब, तो सब सबसे लास्ट हो गया, स्ट्रेंजर, अनजान लोग, ये सबसे बड़ी लिस्ट है, आपके अनजान लोग जो डेली आपके लाइफ में मिलते हैं, कभी भाजी खरीदने जाती हो, कभी दूध लेने जाती हो, कभी कहीं भी आप जाते हो तो मिलते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करोगे ना, तो लाइफ में आप सफल हो जाओगे। होता क्या है ना, हम लोग फॉलो नहीं करते,